सर गाइस वेलकम बैक टू सुनो जहां से YouTube चैनल। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। लगता है आज बहुत टाइम चला गया यार, सुबह से काम में लगे हुए हैं भाई। पूरा जो ये एक्वेरियम है पूरा अपन ने क्लीन कर डाला और आप ध्यान से देखेंगे तो अब फिश थोड़ी खुश नजर आ रही। और आप सोचा अगर इसमें काम ही क्या था, तो भाई पूरा कांच एक्वेरियम का संभाल के काम करना पड़ता है। पूरा इसे साफ किया गया है और इनके अंदर के जितने भी टू उनके खेलने के टॉयज लगे हुए हैं, ये लगा है बॉल्स और ये घर लगा हुआ है, कार है और क्या पेड़ वेड़ और मेन जो फिल्टर सबसे ज़्यादा गंदा होने वाली चीज़, इसको पूरा ढंग से साफ करा है। और ये ऊपर जो लाइट लगी हुई है ये भी बहुत ढंग से साफ करी गई है यार, बहुत टाइम गया है। और हाथों के निशान अगर दिख रहे हो तो पूरे हाथ गंदे हैं और बिल्कुल सुबह से यार लगे हुए हैं साफ करने में। और अब फाइनली ये क्लीन हुआ है। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 3:48 हो रहे हैं दोपहर के और हमारा काम ख़त्म हो गया है फाइनली। और एक्वेरियम चमक गया है तो आगे देखते हैं, नहा धो के आते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं आगे की, देखते हैं। See the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try to speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10-80, my save ones. Take to the top from the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. Where the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. So guys, अभी हमने नहा लिया है, निपट चुके हैं पूरे कंप्लीट। कुर्ते भाई अपना इंडियन ट्रेडिशन तो पहनना चाहिए। और अभी थोड़ा बहुत गेम खेलेंगे। 6 hours later सुबह से फ़ोन नहीं उठा पाए और अब सोच रहे हैं कि कुछ खाया पिया जाए, फिर बाद में वीडियो को एंड भी किया जाए, क्योंकि आज दिन भर से पूरा दिन तो हमारा आधा दिन तो काम में निकल गया और फिर बाद में अभी भी टाइम नहीं मिला तो शाम हो गई है भाई। ज़बरदस्ती बताना पड़ रहा है, डेली ब्लॉग नहीं तोड़ना चाह रहे अपना, क्योंकि हम अपना डेली ब्लॉग कंप्लीट करना है। 10 दिन का चैलेंज है, 10 दिन वीडियो बनाएंगे, कंटेंट का है कुछ भी हो। और फ्रिज में अभी कुछ है क्या? वो लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है फ्रिज से, ओपी इन द चैट। कुछ भी नहीं है यार, सब्जी वब्जी के नाम पे यार। ओ माय लॉर्ड, आज लग रहा है कुछ गजब बनना पड़ेगा। सो वैसे गाइस बहुत थक चुके हैं यार, खाने का मन ही नहीं हो रहा यार। लैपटॉप हमने अपना शट डाउन कर दिया है, बंद कर दिया। बहुत देर से गेम खेल रहे थे, GTA 4 के 4-5 मिशन पर डे में कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल शॉट लेना चाह रहे थे बट क्या हुआ,
क्या कर सकते हैं। और वैसे ईयरबड्स निकालना काफ़ी ज़रूरी है भाई, ट्राईपॉड अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथ से वीडियो बना, क्योंकि भाई आज हिम्मत नहीं हो रही, दिमाग खराब हो रहा। वैसे तो आज मछली एक्वेरियम में पूरा टाइम निकल गया मेरा, और फिर इसको उठा के वीडियो बनाओ ऐसे करके, इस तरह से बनती है वीडियो, तो वो बनाने का मन नहीं है। तो देखते हैं जल्दी से जल्दी वीडियो एंड करेंगे। अभी हमारी तो मछलियों की ब्रीड बताते हैं, ये वाली है शार्क, एलिबिनो शार्क कहते हैं भाई। अभी ये थोड़ा बच्चे वाला वर्जन है, अप्रॉक्स 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इस मछली को रखे हुए हमारे घर में। और हमारी पीछे वाली मछली फिर रही है, इसका नाम है कॉपर गोल्ड फिश, मतलब गोल्ड फिश की फैमिली से आती है वाली मछली। और हमारे पास पहले एक गोल्ड फिश थी जो मर चुकी है, काफ़ी अच्छी लगती थी वो वाली भी। और ये तो बस बाकी फिर ये शुभांकन है, ये भी शुभांकन है, और वो सबसे पुरानी मछली है शुभांकन भाई, इसको 2.5 साल हो चुके हैं हमारे एक्वेरियम में भाई। इसके फिन देख सकते हो आप कितने पुराने हो गए हैं भाई, और उसकी हालत ख़राब है, लेकिन भाई अभी भी ज़िंदा है, उससे अच्छी बात हो क्या सकती है। और बाकी फिर ये वाली तो हमारी सुंदर है, ये भी अच्छी है। और आप अगर देखें हाथ डालें तो ऊपर आती है, नहीं आती है। ओए, कोई तो आजा, गजब बेइज्जती है। आजा। काफी अभी पानी साफ हो गया तो एक्वेरियम काफी अच्छा लग रहा है, क्लियर। ये मछली अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि पहले थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था एक्वेरियम, तो ये मछली ढंग से फिर घूम भी नहीं रही थी। और ये हमारा इसका मैग्नेटिक ब्रश है जिससे एक्वेरियम को हम साफ कर लेते हैं अंदर, मतलब एक जो मैग्नेटिक कप है ना उसमें लगे हुए हैं ब्रश, जिससे एक्वेरियम के ऊपर के ये दाग वाग हैं ना ये सब साफ हो जाते हैं। लाइट लगी हुई है, ये मल्टी कलर। अगर एक कॉस्टिंग बताऊं अप्रॉक्स, तो कॉस्टिंग ऐसा है कि 600 रुपये की लाइट और 600 रुपये का फिल्टर। इससे पहले भी 4-5 फिल्टर बदल चुके हैं, क्योंकि एक्वेरियम को 2.5-3 साल हो चुके हैं, 4-5 फिल्टर बदले गए थे पहले तो। और ये वाले टॉयज़ कम से कम 150-150 रुपये के आसपास, कोई 100 रुपये का भी है कोई वैसा है। ये तो मेरी खुद की कार थी, मैंने इसके अंदर डाल दी, और अब इसकी हालत देख सकते हो कैसी क्या है। और ये ग्लास वाले मार्बल के पत्थर, यही 300 रुपये के आते हैं, 300 रुपये के भाई, 500 ग्राम्स के आसपास। और ये पत्थर में एयर स्टोन रही, और ये पेड़ हैं, इसकी प्राइसिंग बताऊँ तो 60 रुपये का एक है ये पूरा फूल, यहाँ पे झांसी वाला रेट बता रहा हूँ। ये वाला भी, और फिर अगर छोटे वालों की बात करें जैसे कि तो ये भाई अप्रॉक्स 15-15 रुपये के आसपास आते हैं। और ये क्योंकि ये वाला था पहले पत्थर, हमने पहले मंगाया था, ये अभी फूड पपीज का है, और इस पर हमारे गोल्डन टर्टल और गोल्डन गणपति जी रखे हुए हैं, मतलब एयर स्टोन इसमें भी है, लेकिन बस ये एक्वेरियम के लिए था, लेकिन हमने ऊपर पर डेकोरेशन के लिए रख दिया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिशेस के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी हो। और ये एक्वेरियम की कॉस्ट बताऊं तो ये कम से कम भाई 3,000 रुपीज़ का अप्रॉक्स पड़ा है, और एग्जैक्ट अगर टोटल अमाउंट बताऊं फिशेस इंक्लूड 10,000 के अप्रॉक्स, क्योंकि इसका हीटर वीटर भी रखा हुआ है अंदर, वो हीटर भी कम से कम 250-300 रुपये का हीटर अकेला आता है, तो भाई खर्चा बहुत है। और बिजली का पर मंथ का खर्चा भाई 60-70 रुपये पर मंथ का खर्चा आता है इसकी बिजली का, जितना भी है फिल्टर ऑक्सीजन पम्प जो कि यहाँ लगाऊंगा उतना खर्चा आए, तो ये लाइट वाइट चालू रहती है इसकी, और पहले तो इसमें हम पैसे भी डाल देते थे,
तो अभी डाले नहीं है, अभी हम लोग साथ हैं तो कार की हालत आप देख सकते हैं और मछलियों की काफ़ी अच्छी हालत में आई है।